हेलो स्टूडेंट्स, आप हैं मैथ्स गुरु निर्दोष के साथ और हम स्वागत करते हैं आपका मैथ्स गुरु निर्दोष की क्लास में। देखिए, अभी हम जो करने जा रहे हैं एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 7.5 को करेंगे, जो कि हमारे इंटीग्रेशन टॉपिक चला हुआ है, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। और एक्सरसाइज जो है ये हमारी 7.5 ये डिपेंड करती है पार्शियल फ्रैक्शन पर, यानी हम इंटीग्रेशन सीखेंगे पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके। कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको समझ लेते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 जो एक्सरसाइज में है वो है एक्स अपॉन एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2, हमें इसको इंटीग्रेट करना है। वैसे तो आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, लीनियर इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक से, लेकिन हमें उस तरफ नहीं जाना है। हमें क्या करना है, देखिए पार्शियल फ्रैक्शन जो ये फैक्टर्स हमने कर लिए हैं, ये जो फैक्टर्स दिए गए हैं लीनियर फैक्टर अगर ये हैं, तो आप इनको कैसे लिखेंगे, a अपॉन x प्लस 1 प्लस b अपॉन x प्लस 2, इस तरीके से आप इसको लिखेंगे। ये आर्बिट्ररी कांस्टेंट अपने पास से लिए गए हैं a अपॉन और b अपॉन करके, a अपॉन x प्लस 1 और b, जो हमारा ये फैक्टर्स हैं अगर ये लीनियर फैक्टर है यानी एक डिग्री की इक्वेशन है, तो हम इनको कैसे करते हैं जरा देखिएगा। अब अगर हम इनका एलसीएम लें एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2, तो ये हो जाता है ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अगर हम इसकी कंपेयर करते हैं इसके साथ, तो ये डिनोमिनेटर कट जाएगा बेटा, और यहां पर आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू, ये डिनोमिनेटर दोनों कट जाएंगे और ये आ जाएगा एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1। अब यहां के बाद ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 हम इसे मान लेते हैं। यहां के बाद क्या होगा, यहां a और b की वैल्यू फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड्स होते हैं। हम दोनों मेथड्स को ही आपको विस्तार से समझाएंगे, दोनों मेथड्स का ही सीख लेना आवश्यक है। देखिए, एक होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। हिट एंड ट्रायल मेथड में हम क्या करते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड में हमें क्या करना होता है, x की वैल्यू पुट करते हैं हम इसमें आर्बिट्ररी रैंडमली। कैसे करते हैं, x की वैल्यू अगर हम यहां -2 रखेंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, ऐसे ही x की वैल्यू जब -1 रखेंगे तो देखिए ये 0 हो जाएगी। तो इफ x इक्वल्स टू -2, अब ये -2 हमने क्यों लिया, हम इसी फैक्टर से डिसाइड करते हैं x की वैल्यू हम क्या लें जिससे कि ये 0 हो जाए। तो हमने रखा x की वैल्यू -2, तो x की वैल्यू -2 लेते हैं, तो यहां -2 इक्वल्स टू ये a इंटू 0 हुआ प्लस b इंटू -2 प्लस 1, तो -2 इक्वल्स टू ये आ गया बेटा माइनस का बी। ओके, तो इसका मतलब बी इक्वल्स टू आ गया 2, राइट। अब ऐसे ही आप एक्स की वैल्यू -1 ले लीजिएगा, एक्स की वैल्यू -1 लेंगे, अगर हम एक्स की वैल्यू -1 लेते हैं तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी। अब देखिए, इसमें इक्वेशन नंबर 1 में हम एक्स की वैल्यू -1 रखते हैं, तो -1 इक्वल्स टू ए -1 प्लस 2 एंड प्लस बी इंटू 0। तो इस हिसाब से अगर हम करते हैं -1 इक्वल टू ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, -1 आ गई। अब ये दोनों वैल्यूज हमारी बी की वैल्यू 2, एक तरफ नोट कर लेते हैं हम यहां पर कि ए की वैल्यू हमारी आ जाती है -1 और बी की वैल्यू आ जाती है 2। ओके, चलिए ये तो इसका एक मेथड हुआ, ए और बी की वैल्यू निकालने के लिए हमारा एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है उसको भी सीख लीजिएगा, कंपैरिजन मेथड करते हैं बोलते हैं हम इसको। कंपैरिजन मेथड कैसे होता है जरा सीख लीजिएगा। कंपैरिजन मेथड से हम कैसे निकालेंगे, मैं इसी क्वेश्चन में दोनों मेथड्स को सिखा रहा हूं, क्योंकि आगे कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं जिसमें आपको दोनों मेथड्स की जरूरत होती है। ओके, वैसे हिट एंड ट्रायल अच्छा मेथड है। देखिए, अगर हम इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस 2a प्लस बी एक्स प्लस बी, अब हम कोफिशियंट्स कंपेयर करेंगे, तो कोफिशियंट ऑफ एक्स को हम कंपेयर करते हैं। तो कोफिशियंट ऑफ एक्स, इधर देखिए लेफ्ट साइड में कोफिशियंट ऑफ एक्स कितना है, 1 है, और इधर राइट साइड में कितने हैं, a है, यहां एक्स का कोफिशियंट a है और ये b है प्लस b। ओके, इक्वेशन नंबर 2। अब हम करते हैं कांस्टेंट को कंपेयर करते हैं इधर देखिए लेफ्ट साइड में कुछ भी कांस्टेंट नहीं है। ओके, कांस्टेंट को कंपेयर कर रहा हूं मैं, तो लेफ्ट साइड में कोई भी कांस्टेंट नहीं है और इधर हमारे कांस्टेंट है 2a एंड
एंड प्लस बी, ये कॉन्स्टेंट है 2a और ये b, इक्वेशन नंबर 3। अब हम जो ये हमारी इक्वेशंस बनती हैं, इन दोनों इक्वेशंस को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे और ए बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। देखिएगा, अगर हम इसको करते हैं माइनस माइनस माइनस, और यहां पर हो जाता है ये 1 माइनस 0 1, और ये बेटा बी से बी कैंसिल हो गया और माइनस का ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 1। यहां देख लीजिएगा ए की वैल्यू कितनी बन गई, ए इज इक्वल टू माइनस 1। ओके, अब यही वैल्यू अगर आप इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुट इन द इक्वेशन नंबर 2, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिएगा, 1 इक्वल टू माइनस 1 प्लस बी, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2। तो यही वैल्यू हमारी 1 माइनस 1 और 2 पहले आई थी हमारी ये वाली वैल्यूज। तो दोनों मेथड में से आप कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं कॉन्स्टेंट की वैल्यूज निकालने के लिए। ओके, तो उसके आगे क्या करना है, जो वैल्यूज हमारी आती हैं उन्हें हमें रख देना है यहां पर। देखिए, तो हमारा क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन बन गया हमारे पास a, a की वैल्यू कितनी माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 डी एक्स, प्लस b की वैल्यू कितनी है 2 x प्लस 2 डी एक्स। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कितना आसान हो गया है, ये देखिएगा, इसको माइनस लोग x प्लस 1 एंड प्लस 2 लोग x प्लस 2 प्लस c। देखिए कितना आसानी से आपका इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x क्या होता है बेटे, लोग x होता है ना, लोग x होता है। तो ये हमने यहां पर ये फॉर्मूला लगाया माइनस 1 अपॉन x प्लस 1, क्योंकि लीनियर फैक्टर है, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं ये वाला फॉर्मूला, तो 2 अपॉन x प्लस 2। लेकिन इस तरीके से ये पार्शियल फ्रैक्शन का यूज करके आप इंटीग्रेशन आसानी से कर सकते हैं। एक्चुअली पार्शियल फ्रैक्शन भी हमारा कैलकुलेशन करने का एक मेथड है, टूल है। तो देखिए इसी तरह से अब हम अगले क्वेश्चन को करने जा रहे हैं, बिल्कुल यही मेथड हम यूज करेंगे। ओके, यही मेथड हम यूज करेंगे, थोड़ा सा अब हम स्पीड बढ़ा देते हैं। ओके बेटा, देखिए मेथड आपको क्लियर हो गया होगा, मैं क्वेश्चन नंबर 3 कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, मैंने क्वेश्चंस जो सॉल्व करने हैं यहाँ लिखे हुए हैं, ये क्वेश्चंस हम आपको ये सॉल्व कर रहे हैं। ये देखिएगा 3x-1, और पार्शियल फ्रैक्शन यूज करने के लिए आपको ध्यान रखना है कि कोई भी जो डिनोमिनेटर की जो पॉलिनोमियल्स हैं, जो डिनोमिनेटर में पॉलिनोमियल्स हैं उनका आगे फैक्टर नहीं हो रहा हो तब आप पार्शियल फ्रैक्शन यूज करेंगे। अगर फैक्टर होते हैं तो उसके पहले फैक्टर करेंगे और फिर पार्शियल फ्रैक्शन को यूज करेंगे। ओके, तो इसमें तो फैक्टर पहले ही ऑलरेडी करके दिए हुए हैं, यहाँ 3 हो गए हैं, a अपॉन x माइनस 1 प्लस b अपॉन x माइनस 2 प्लस c अपॉन x माइनस 3। देखिए जो भी लीनियर फैक्टर होंगे, लीनियर फैक्टर का मतलब है 1 डिग्री की इक्वेशन, तो 1 डिग्री की पॉलिनोमियल अगर होगी तो हम a अपॉन b अपॉन c अपॉन ऐसे इनको ब्रेक कर लेंगे, ऐसे इनको सेपरेट कर लेंगे बेटा, और सेपरेट करने के बाद वही प्रोसेस एलसीएम लेंगे, बिल्कुल वही प्रोसेस चलेगा। ध्यान रहे ये प्रोसेस बताया जा रहा है केवल अगर लीनियर फैक्टर डिनोमिनेटर में है, अगर 1 डिग्री की इक्वेशन डिनोमिनेटर में है तो। अगर 2 डिग्री की इक्वेशन आएगी उसके लिए अलग मेथड है, और अगर होल पावर्स आती है, होल स्क्वायर, उसके लिए अलग मेथड है। वीडियो में बने रहिएगा, हम बाकी सारे टाइप के क्वेश्चंस भी आपको बताएंगे। ओके बेटा, देखिए तो अभी हमने यहां पर एलसीएम लिया, एलसीएम लेने पर एक्स माइनस 1 एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3, तो यहां एलसीएम लेने पर क्या आएगा बेटा, ए इंटू एक्स माइनस 2 एक्स माइनस 3 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 एंड प्लस सी इंटू सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2। ओके बेटा, ये आ गया, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा, तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x-1 इक्वल्स टू ए मल्टीप्लाई एक्स माइनस 2 मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 प्लस बी एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई एक्स माइनस 3 प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 एंड एक्स माइनस 2। इस तरीके से हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन गई। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं।
हिट एंड ट्रायल मेथड यूज करते हैं। देखिएगा बेटा, अगर हम x की वैल्यू 1 रख देंगे तो ये टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पर ये वाली जिसमें बना रहा है ये, ठीक है, और वैल्यू 1 ही निकलेगी। ठीक है, देखो जिसके नीचे है उसी की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। यहाँ देखिएगा, अगर मैं x की वैल्यू 1 रख देता हूँ, इफ x इक्वल्स टू 1, अगर x की वैल्यू 1 रखते हैं तो क्या होगा, देखो बेटे 3 × 1 − 1 इज इक्वल टू ए 1 − 2 और 1 − 3 + b × 0 एंड प्लस सी इंटू जीरो। देखो 1 − 1 0, पूरी टर्म 0 हो जाएगी, 1 − 1 पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो 3 − 1 = 2 इक्वल्स टू, ये आ जाता है बच्चों माइनस का a, ठीक है, चलो हम अलग से लिख देते हैं −1 − 2, ठीक है, और ये कितना हो गया 2, तो a की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 1 आ गई, राइट। इसी तरीके से हम पुट कर लेते हैं इफ x इक्वल्स टू −2, इफ x इक्वल्स टू 2, अगर हम इसमें x की वैल्यू 2 रखें तो ये वाली टर्म 0 हो जाएगी और ये टर्म 0 हो जाएगी। तो देखो यहाँ देखो 3 × 6 − 1 3 × 6 − 1 इज इक्वल्स टू, हमारा a भी 0 हो गया प्लस b में हम क्या लिखेंगे 2 − 1 − 1 एंड 2 − 3 − 1 2 − 1 − 1 2 − 3 − 1 और ये हो गया 0। तो 6 − 1 हो गया बेटा 5 और ये आ जाता है आपके पास −b, तो भाई b की वैल्यू आ जाती है −5। ठीक है, इस तरीके से b की वैल्यू भी आ गई है। और हम अब लिखते हैं इफ x इक्वल्स टू हम ले रहे हैं अब बेटे 3, अगर हम 3 लेते हैं तो 3 × 3 = 9 −1, यहाँ देखो 3 × 3 = 9 −1, ओके इज इक्वल्स टू, ये टर्म आपकी 0 हो गई a × 0 प्लस बी वाली टर्म भी 0 हो गई आपकी प्लस c × 3 − 3 − 1 = 2 एंड 3 − 2 = 1 3 − 1 = 2 3 − 2 = 1 ये आ गया बेटा 2। तो 9 − 1 = 8 इक्वल टू 2c और यहां से c की वैल्यू आ गई 4, ओके। तो ये 9 − 1 = 8 हुआ और ये 2 × 1 = 2 और 2 इसके अपोन में आ जाएगा तो c की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू −5 और c की वैल्यू हमारी आ जाती है 4। अब ये एबीसी की वैल्यू, ठीक है, ये एबीसी की वैल्यू मैं एक बार नोट कर लेता हूँ, यहाँ अलग से नोट कर लेता हूँ। a इज इक्वल्स टू आ रहा है 1, b इज इक्वल्स टू आ रहा है हमारे पास −5 और c इज इक्वल्स टू आ रहा है 4। बाकी को मैं रब कर रहा हूँ, ओके, पेपर क्वेश्चन सॉल्व करना है तो ये हमने रब कर दिया है। इसके आगे जो करना है आपको बिल्कुल क्लियरली पता है इसके आगे हम क्या करने वाले हैं। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाता है। देखिएगा अब हम करने वाले हैं इसको a की वैल्यू कितनी थी 1, 1 upon x − 1 dx, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन होगा। b की वैल्यू −5, 1 upon x − 2 dx और c की वैल्यू 4 और 1 upon x − 3 dx। बहुत ही बढ़िया हो गया हमारा काम, log x − 1 − 5 log x − 2, ओके, प्लस 4 log x − 3 + c, ओके बेटा। तो ये हो जाता है आपका इंटीग्रेशन, बहुत आसान है, बिल्कुल आराम से आप कर सकते हो, ओके। चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करते हैं। अब आ जाता है टाइप 2, ओके, अब इसमें आता है टाइप 2, ठीक है बेटा। ये हमने टाइप 1 किया था, ये हमने टाइप 1 को किया था पार्शियल फ्रैक्शन में, अब हम कर रहे हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस। टाइप 2 में क्या है भाई, टाइप 2 में देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, इसके बीच के 1, 2, 3, 4, 5, 6 जो क्वेश्चन हम स्किप कर रहे हैं वो क्वेश्चन आप कर सकते हो खुद, बशर्ते कि डिनोमिनेटर में जो फ्रैक्शन, डिनोमिनेटर के अंदर जो भी इक्वेशन दी गई है, पॉलिनोमियल दी गई है, उसके फैक्टर करिएगा और फैक्टर करके इसी प्रकार की फॉर्म्स आपकी बनेगी, ओके। टाइप 2 क्वेश्चन नंबर 7 से शुरू हो जाता है, ये x upon x² + 1 × x − 1, ओके। अब जरा ध्यान से देखिए,
यहां पर डिनोमिनेटर में दो डिग्री की इक्वेशन आ गई। तो दो डिग्री की मैंने जैसा कि आपको बताया था कि जब डिनोमिनेटर में एक एक डिग्री की इक्वेशन होती है, लीनियर फैक्टर्स होते हैं, तो आपको जो हमने अभी एक्सप्लेन किया है वो करना है। और अगर दो डिग्री की इक्वेशन आ जाती है तो मेथड चेंज हो जाता है। आपको अब हम ये सिखाएंगे और फिर हम आपको इसका टाइप थ्री बताएंगे। ओके बेटा, बने रहिएगा वीडियो में मेरे साथ, बिल्कुल आपकी पूरी एक्सरसाइज का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर किया जाएगा। जरा देखिए, यहां देखिएगा, तो अगर लीनियर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ए अपॉन बी अपॉन हम आर्बिट्री कॉन्स्टेंट ए लेंगे। लेकिन अगर हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन या दो डिग्री की इक्वेशन है तो उसके न्यूमरेटर में हमें लीनियर इक्वेशन लिखनी होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वन। देखिए यहां पर हमने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस वन के ऊपर क्या लिखा, ए एक्स प्लस बी, यानी दो डिग्री की इक्वेशन के, दो डिग्री की जो इक्वेशन होगी पॉलिनोमियल होगी उसके ऊपर हम लीनियर पॉलिनोमियल लिखेंगे। ए एक्स प्लस बी हमने अपने पास से बना के आर्बिट्री कॉन्स्टेंट लिया, और ये है हमारा, क्योंकि ये एक डिग्री की इक्वेशन है तो इसको हमने इस तरीके से एक्स माइनस वन लिख दिया। तो यहाँ पर ये बात सीखने की है जो टाइप टू है वो ये है कि अगर दो डिग्री की इक्वेशन होती है तो आप इसमें उसके दो डिग्री के फैक्टर के ऊपर, दो डिग्री की इक्वेशन के ऊपर आप लीनियर इक्वेशन लिखेंगे। ओके, अब देखिएगा बिल्कुल वही प्रोसेस शुरू हो जाता है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और एक्स माइनस वन। तो मल्टीप्लाई जब हम एलसीएम लेंगे, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस वन प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये देखिएगा ये कैंसिल हो जाएगा और हमारी इक्वेशन बन जाएगी एक्स इक्वल्स टू ए एक्स प्लस बी इंटू मल्टीप्लाई एक्स माइनस वन प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। ओके बेटा, ये हमारी बन जाती है इक्वेशन नंबर वन। अब देखो, अब मैं यहां पर अगर इसमें वन रख दूंगा तो ये पूरी की पूरी टर्म जीरो हो जाएगी और सी की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। ओके, यहाँ थोड़ा स्पेस छोड़ देते हैं क्योंकि हमें जरूरत पड़ेगी मल्टीप्लाई करने की। ओके बच्चों, तो देखिएगा यहां मैं लिख रहा हूं इफ एक्स इक्वल्स टू वन, तो x इक्वल्स टू वन लिखा हमने, वन इज इक्वल्स टू ये पूरा जीरो हो गया, ए एक्स प्लस बी मल्टीप्लाई जीरो प्लस सी इंटू एक्स की वैल्यू हमने लिया वन, वन का स्क्वायर वन प्लस वन टू सी हो गया बेटा। तो दिस इम्प्लाइज a की वैल्यू कितनी आ गई है, a की वैल्यू आ गई c, सॉरी c की वैल्यू कितनी आ गई है, वन बाई टू, c की वैल्यू आ गई आपकी वन बाई टू, वेरी गुड। अब हम हिट एंड ट्रायल मेथड से ए और बी और की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते क्योंकि यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस वन है, ये जीरो नहीं होगा क्योंकि माइनस वन भी रखोगे तो। ठीक है बेटा, ये अब देखो, अब हमें क्या करना है, अब हमें जो कंपैरिजन मेथड है उसको यूज करेंगे। एक्स इक्वल्स टू मल्टीप्लाई कर लेता हूं ए एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स प्लस बी एक्स माइनस बी प्लस सी एक्स स्क्वायर प्लस सी, तो हमने इसको मल्टीप्लाई कर लिया। मैं ये रब कर रहा हूं और अलग से नोट कर लेते हैं कि c की वैल्यू हमारी आ गई थी 1 बाई टू। ओके, इसको मैं रब कर देता हूं बच्चों, इसे रब कर दिया मैंने। ओके, ये वैल्यू हमने अलग से नोट कर ली है। उसके बाद देखिए, अब हम कंपेयर करते हैं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, कंपेयर करते हैं हम, कंपेयरिंग कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इधर एक्स स्क्वायर है ही नहीं और इधर a है और c है, राइट बेटा। अब c की वैल्यू 1 बाई टू हमारे पास है तो 0 इक्वल्स टू a प्लस 1 बाई टू, तो भैया a की वैल्यू माइनस 1 बाई टू आ गई आपके पास। उसके बाद हम कंपेयर कर देते हैं कॉन्स्टेंट या कोफिशियंट ऑफ x, चलिए कॉन्स्टेंट कर देते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल, कॉन्स्टेंट कंपेयर कर देते हैं। आप कोफिशियंट ऑफ x भी कंपेयर कर सकते हो, तो इधर कॉन्स्टेंट है ही नहीं और इधर कॉन्स्टेंट में ये है माइनस बी है बच्चों और ये है c। ओके, तो b इज इक्वल टू c यानी b की वैल्यू भी 1 बाई टू आ गई। तो मैंने ये तीनों वैल्यू रख ली अलग निकाल करके, b इज इक्वल टू 1 बाई टू और a इज इक्वल्स टू माइनस 1 बाई टू। ओके, ये हमने वैल्यू अलग से रख ली है क्योंकि इनकी आवश्यकता पड़ेगी आगे, इंटीग्रेशन तभी हो पाएगा। चलिए मैं इसे कर देता हूँ रब, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा, मैं काफी आराम से, अभी मैंने अपनी कोई स्पीड इंक्रीज नहीं की है। ओके बेटा, ओ शिफ्ट ये हमने रब कर दिया है, कोई बात नहीं, हम इसे दोबारा लिख लेते हैं। ओके,
हमने इसको ब्रेक किया था ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन एंड प्लस सी अपॉन एक्स माइनस वन। तो चलिए इसमें हम वैल्यू रख देते हैं बेटा ए की और बी और सी की। ए की वैल्यू कितनी है माइनस वन अपॉन टू एक्स माइनस वन अपॉन टू एक्स प्लस देखिए प्लस बी। बी की वैल्यू कितनी हुई हमारी वन बाई टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन ओके एंड प्लस सी। सी की वैल्यू है हमारे पास वन बाई टू अपॉन एक्स माइनस वन। अब इनको हमें अलग अलग इंटीग्रेशन करना है। इनको अलग अलग इंटीग्रेशन करने के लिए बहुत आसान तरीका है, ये तो सिंपली सबको समझ में आ रहा होगा। इसकी बता देते हैं हम कैसे करना है। वन अपॉन टू मैंने स्प्लिट कर दिया है एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स ओके बेटा ओके। और इसको फिर हमने वन अपॉन टू बाहर वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स एंड प्लस वन अपॉन टू वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स। ठीक है भाई, तो ये हमने सबको अलग अलग स्प्लिट कर दिया, इसको इसके अपॉन लिखा और ये लिखा। अब यहां मैं एक टेक्निक यूज करने वाला हूं, इसके लिए मैंने शॉर्ट ट्रिक आपको बताई हुई है मेरी शॉर्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं कि अगर मैं यहां पर माइनस वन अपॉन टू और इस तरीके से टू की इंटू टू से डिवाइड कर देता हूं ओके बेटा, तो ये हो जाएगा फोर, यानी कि हमने टू से ऊपर मल्टीप्लाई की टू से नीचे मल्टीप्लाई की तो ये हो जाएगा वन अपॉन फोर ओके। तो माइनस वन अपॉन फोर, अब देखिए डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन न्यूमरेटर में है, टी मानने की आवश्यकता आपको नहीं है, इसकी शॉर्ट ट्रिक मैंने बताई हुई है आपको शॉर्ट वीडियोस में, आप देख सकते हैं इसमें लिखा है। अगर डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ऊपर हो तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं लोग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस वन अपॉन टू, ये किसका इंटीग्रेशन क्या है इसका टेन इनवर्स एक्स ओके बेटा। और ये क्या हुआ वन अपॉन टू लोग एक्स माइनस वन सी, ये थोड़ा अलग रखें आप ओके। तो इस तरीके से हमने इसको इंटीग्रेट किया, ये टाइप टू है, ये ध्यान रखिएगा जब ये आपको तब यूज करना होता है। लीनियर इक्वेशन आपको तब लिखनी है न्यूमरेटर में जब डिनोमिनेटर के अंदर दो डिग्री की इक्वेशन हो ओके बेटा, समझ में आया। देखिए उसके बाद हम आते हैं टाइप थ्री पर ओके, ये हम रख कर देते हैं। अब आता है टाइप थ्री, फिर उसके बाद टाइप फोर भी बताएंगे आपको। टाइप फोर तो इसका कोई ज्यादा टिपिकल है नहीं, टाइप फोर भी बताएंगे, टाइप थ्री भी आपको बताया है ठीक है, टाइप टू आपको बता दिया है, नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस टाइप थ्री ओके। चलिएगा देख लेते हैं टाइप थ्री क्या है, क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर एट है और क्वेश्चन नंबर एट में लिखा है x अपॉन x माइनस वन होल पावर टू और x प्लस टू इंटीग्रेशन करना है हमें। अब यहां क्या चेंज हुआ देखिए, जो टाइप वन था उसमें जो डिनोमिनेटर है सब एक डिग्री के हैं ठीक है, सब एक एक डिग्री के फैक्टर्स हैं ठीक है, ये देखिए। और टाइप टू में क्या था, डिनोमिनेटर दो डिग्री की इक्वेशन आ गई है, दो डिग्री की इक्वेशन। और टाइप थ्री यहाँ होल स्क्वायर है, यहाँ पावर टू थी यहां भी पावर टू है लेकिन ये होल पावर है, तो जब होल पावर होगी हमारे पास तो उसको कैसे ब्रेक करेंगे, दोनों में अंतर है, ये दो डिग्री की इक्वेशन है, ये भी वैसे डिग्री दो ही है लेकिन होल पावर्स हैं ये, अगर होल पावर होंगी पूरे ब्रैकेट की पावर्स होंगी तो कैसे ब्रेक करेंगे ओके, ये भी डिग्री दो ही है वैसे ठीक है। अब ये कुछ भी हो सकता है, ये डिग्री दो हो सकती है, इसकी होल पावर दो हो सकती है, तीन हो सकती है, चार हो सकती है, लेकिन इतने बड़े क्वेश्चन आपको नहीं आएंगे। देखो हम इसे कैसे ब्रेक करते हैं, a अपॉन x माइनस वन प्लस b अपॉन x माइनस वन की होल पावर टू। देखो बड़े ध्यान से देखिएगा, जो दो पावर है उसको इंक्रीजिंग, जो होल पावर होगी उसको इंक्रीजिंग करेंगे, पहले एक फिर दो, अगर तीन होती फिर तीन, तो ऐसे करते हैं a अपॉन एक पावर, b अपॉन उसी फैक्टर की दो पावर, c अपॉन उसी फैक्टर की तीन पावर। इसमें ऊपर लीनियर इक्वेशन लिखने की आवश्यकता नहीं है, इसमें ऊपर जो है न्यूमरेटर में हम लीनियर इक्वेशन नहीं लिखते ओके। और यहां पर आएगा प्लस सी, ये तो है ही लीनियर फैक्टर, तो इसमें तो आराम से आप सी अपॉन एक्स प्लस टू लिख सकते हैं। अब बेहद आसान वही तरीका शुरू हो जाता है, एलसीएम लेंगे आप, इसका एलसीएम आया एक्स माइनस वन की होल पावर टू और ये हुआ आपका एक्स प्लस टू। तो एलसीएम लेने पर ए इंटू एक्स माइनस वन एंड एक्स प्लस टू और प्लस सी इंटू एक्स
सॉरी b मल्टीप्लाई x प्लस टू एंड प्लस c मल्टीप्लाई x माइनस वन होल पावर टू। ठीक है भाई, तो ये डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, x इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई x माइनस वन एक्स प्लस टू प्लस बी मल्टीप्लाई एक्स प्लस टू प्लस सी मल्टीप्लाई एक्स माइनस होल पावर टू। ठीक है, अब ये हमारी इक्वेशन नंबर टू आ गई है। अब बहुत ही आसान तरीके से देखिएगा, फिर वही हीट एंड ट्रायल मेथड भी यूज करेंगे हम, और हम क्या यूज करेंगे इसमें, कंपेरिजन मेथड भी यूज करेंगे। ओके, तो देखिएगा अगर मैं लिखता हूं यहां पर इफ x इक्वल्स टू वन, वन करने से ये जीरो होगा, ये जीरो होगा, तो x की वैल्यू वन ले रहा हूं, वन इज इक्वल्स टू a मल्टीप्लाई जीरो प्लस बी इंटू वन प्लस टू यानी थ्री हो जाएगा और ये c इंटू जीरो, तो ये आ गया वन अपॉन थ्री, किसकी वैल्यू आ गई, b की वैल्यू, ये थ्री है ना, तो वन अपॉन थ्री b की वैल्यू आ गई। ओके बेटा, अब अगर हम इसमें लिखते हैं इफ x इक्वल्स टू माइनस टू, तो माइनस टू रखिए एक्स की वैल्यू, तो यहाँ माइनस टू आ गया, माइनस टू आ गया बेटा। आपको ये वैल्यू रखना, कैसे रखना है, बस ऐसी वैल्यू देखो जो आपको ये रखे है ना, अगर फिर भी अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये वैल्यू कैसे रखी जा रही है, तो जो फैक्टर्स हैं इनको इक्वल टू जीरो रख के देख लिया करो, एक फैक्टर एक्स माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो यहां से आएगी एक्स की वैल्यू वन, तो वन रख के देखना है, एक फैक्टर है एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो, यहां से आएगी एक्स की वैल्यू माइनस टू, तो माइनस टू रख के देखना है। तो वहीं से आप क्वेश्चन में से ही पता कर सकते हो कि आपको क्या क्या वैल्यूज पुट करनी है। ओके, ठीक है, अब देखो सारे वैल्यू आपने रख ली, लेकिन अभी आपकी देखो एक्स की वैल्यू माइनस टू लेते हैं, माइनस टू लेंगे तो माइनस टू इक्वल्स ये जीरो हो जाना है, ए इक्वल टू जीरो, माइनस टू एंड प्लस टू जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, माइनस टू प्लस टू, और ये प्लस सी, और ये माइनस टू माइनस वन का स्क्वायर, देखिए सी माइनस टू हम रख रहे हैं, माइनस टू माइनस वन, माइनस थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया बेटा, माइनस टू इक्वल टू नाइन इंटू सी, तो यहां से सी की वैल्यू कितनी आई, टू अपॉन नाइन विद माइनस, ठीक है, टू अपॉन नाइन। अब देखिए यहां से हमने बी की वैल्यू फाइंड कर ली, सी की वैल्यू फाइंड कर ली, लेकिन हम ए की वैल्यू अभी नहीं फाइंड कर पाए हैं, ए की वैल्यू हम अभी नहीं फाइंड कर पाए हैं, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेरिजन मेथड को यूज करना पड़ेगा। तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, चलो मल्टीप्लाई करने के बाद मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कोफिशियंट ऑफ एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो यहां पर तो एक्स स्क्वायर है ही नहीं लेफ्ट साइड में जीरो, और यहाँ एक्स इंटू एक्स करके एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा ए, और यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन करेंगे, यहाँ पे एक्स स्क्वायर आएगा, तो ये हो जाएगा सी। ओके बेटा, तो ए प्लस सी इक्वल टू जीरो। आप मल्टीप्लाई, अगर डायरेक्ट कंपेरिजन आप नहीं कर पा रहे हैं जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में किया है, आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, इसका होल स्क्वायर ओपन कर लीजिएगा और कंपेयर कर लीजिएगा। ओके बेटा, तो a प्लस सी इक्वल टू जीरो, सी की वैल्यू, अब a की वैल्यू क्या आई बेटा, यहाँ से a की वैल्यू माइनस सी, और c होता है टू बाई नाइन, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाती है टू बाई नाइन। तो इस तरीके से a, b, b और c तीनों वैल्यू आ जाती हैं, और यहाँ हम इस वैल्यूज को, इन वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो मैं अलग से थोड़ा लिख लेता हूँ, सारा लब करना पड़ेगा मुझे, a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू, मैं लिख लेता हूँ यहाँ बेटा, a की वैल्यू है टू बाई नाइन, और b की वैल्यू है आपकी पास वन अपॉन थ्री, और c की वैल्यू है माइनस टू बाई नाइन। देख लीजिएगा, कैलकुलेशन चेक कर लो, मेथड बिल्कुल क्लियर है, मेथड यही है, हो सकता है कोई पॉइंट्स वगैरह या कोई मिस्टेक हो भी जाए तो करेक्शन कर लीजिएगा। ओके बेटा, और क्योंकि परफेक्ट तो कोई नहीं होता है, किसी से भी सिली मिस्टेक्स या सिली टर्म्स स्लिप हो सकती है, स्लिप टर्म्स हो सकती है, वो आप कैलकुलेशन बिल्कुल देख लीजिएगा, मेथड बिल्कुल ओके है, और हमारी ये वैल्यूज आ गई हैं। ओके बेटा, तो देखिए उसके बाद देखो बेटे, अब ये हमें फिर से इंटीग्रेट करना है, हमने वैल्यू आपके लिए अलग से लिख ली है, इन्हें मैंने रख कर दिया है, स्लिप ऑफ टर्म हो सकती है, वो कैलकुलेशन आप चेक कर लेना दोबारा से, मेथड बिल्कुल सेम चलने वाला है। ए की वैल्यू टू बाई नाइन, तो हमने यहाँ पे रखा टू बाई नाइन वन अपॉन एक्स माइनस वन डी एक्स प्लस बी, बी का मतलब वन अपॉन थ्री, और वन अपॉन एक्स माइनस वन होल स्क्वायर डी एक्स एंड प्लस सी, सी की वैल्यू है माइनस टू बाई नाइन, इसे माइनस कर देते हैं, माइनस टू बाई नाइन वन अपॉन एक्स प्लस टू डी एक्स लीजिए साहब। तो अब इंटीग्रेशन करना है हमें, इंटीग्रेशन करना है तो टू बाई नाइन लोग
x माइनस वन प्लस वन अपॉन थ्री। अब यहाँ देखिएगा जनाब, वन अपॉन एक्स स्क्वायर को कैसे इंटीग्रेट करते हैं, पहले x की पावर माइनस टू लिखते हैं। अब इसको इंटीग्रेशन करने के लिए क्या करोगे भाई, क्या करोगे इसको इंटीग्रेट करने के लिए, तो x की पावर माइनस वन अपॉन माइनस वन यानी कि माइनस वन अपॉन x ऐसे करोगे ना, तो इसको भी ऐसे ही कर लीजिएगा माइनस वन अपॉन x माइनस वन। ओके क्लियर हो गया, तो माइनस टू अपॉन नाइन लोग ऑफ x प्लस टू प्लस सी, इस तरीके से आप इंटीग्रेट कर सकते हो। बहुत आसान है, आपको केवल एबीसी की वैल्यू निकालना सीखना है, उसके बाद इंटीग्रेशन में कोई टिपिकल फॉर्मूले यूज नहीं होते हैं। ओके बेटा, अब देखिए इसीलिए तो हमें पार्शियल फ्रैक्शन यूज करना है, अगर हमें टिपिकल करना होता तो हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज क्यों करते, और बहुत सारे तरीके हैं इसको करने के। ठीक है, अब देखिए अब हम करते हैं, देखो बच्चों अब हमने ये कर लिया, अब टाइप फोर पर आते हैं। टाइप फोर क्या है, टाइप फोर भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टाइप फोर में क्या होता है कि हम टाइप फोर में क्या होता है कि रिड्यूस करके हम हमारे पास वो फॉर्म आती है जिसमें कि हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाए। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 16 है, क्वेश्चन नंबर 16 टाइप फोर के लिए है, जैसे वन अपॉन एक्स एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस वन। ओके, तो आप देखिए बेटे इसमें क्या करना होता है, हमें जितनी पावर यहां पर है उतनी ही हमें बाहर भी लेके आनी है, तो x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर देते हैं x की पावर n माइनस वन इंटू एक्स, और ये x की पावर n प्लस वन। तो आप देख लीजिएगा ये हो गया x की पावर n माइनस वन अपॉन x की पावर n इंटू x की पावर n प्लस वन। उसके बाद सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी कि ये फोर्थ टाइप ये है कि सब्स्टिट्यूशन के बाद हमारी ऐसी फॉर्म बनती है जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज कर पाए। ओके, तो अब कैसे बनेगी ये फॉर्म जरा देखिएगा, x की पावर n को t लिख लीजिएगा। यहां हमने लिखा x की पावर n इक्वल्स टू t, तो n x पावर n माइनस वन डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो ये पूरा पार्ट तो dt हो गया, ये पूरा पार्ट dt हो गया। ठीक है, तो हमारा आ गया ये वन अपॉन टी इंटू टी प्लस वन डी टी। ओके, अब देखिए कितना आसान, इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, a अपॉन टी प्लस बी अपॉन टी प्लस वन। अब जब इसको आप इंटीग्रेशन करोगे, देखो ये तो मैंने बता दिया आपको बहुत आसान है, इसके आगे का प्रोसेस आपको पढ़ा दिया है पहले टाइप वन में। ओके, तो बहुत आसान है, देखिएगा तो ये टाइप वन की तरह से इसके आगे हो जाएगा। आप a और b की वैल्यू, a और b की वैल्यू जो है आप रख करके इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। ठीक है बेटा, ओके देखिए अभी मैं आपको बता दूं, उसके बाद देखो बेटे इसमें क्या है, अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 17। ये भी ऐसा ही है कि हम सब्स्टिट्यूट करने के बाद पार्शियल फ्रैक्शन का यूज कर पाएंगे, क्वेश्चन नंबर 17। बाकी क्वेश्चन बड़े आसान है, जो क्वेश्चंस बीच में स्किप किए गए हैं वो पर्पजली स्किप किए गए हैं बेटा, क्योंकि आप उन्हें ट्राई करिए, कोई क्वेश्चन अगर नहीं आते हैं, आंसर मैच नहीं होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हैं, और वो सभी क्वेश्चंस इसी टाइप के हैं कि आप फैक्टराइज करें या सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो इनमें से ही कोई सा भी टाइप आपका बनेगा और उस टाइप को आप आगे सॉल्व कर पाएंगे। तो इसको हम कर रहे हैं, अगर हम साइन एक्स को टी लिख देते हैं, साइन एक्स को टी लिख देते हैं, तो कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, कोस एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यह आता है dt अपॉन वन माइनस टी एंड टू माइनस टी। अब इसको आराम से सब्स्टिट्यूशन होने के बाद हमारा टाइप वन बन गया है, टाइप वन में a अपॉन वन माइनस टी एंड प्लस b अपॉन टू माइनस टी। अब आप इसको आराम से आगे टाइप वन की तरह बिल्कुल देखिए, लीनियर फैक्टर हो गए हमारे दोनों जैसे टाइप इसमें थे, तो बिल्कुल इसी तरीके से आप, तो ये थी आपकी एक्सेप्ट कर सकते हैं, बिल्कुल क्लियरली कर सकते हैं आप। ठीक है, अब ये थी हमारी एक्सरसाइज 7.5, हमने इसके सारे टाइप आपको डिस्कस कर दिए हैं, सारे टाइप को एक्सप्लेन कर दिया है। ओके बेटा, नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए हाजिर होंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच।